बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी चिकन कढ़ाई। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा यूट्यूब चैनल शाहीन्स कुकिंग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो से आप बाखबर रह सकें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चिकन 1.5 किलो, लाल मिर्च पाउडर 3 खाने के चम्मच, हल्दी पाउडर 1 खाने का चम्मच, धनिया पाउडर 1 खाने का चम्मच, सफ़ेद ज़ीरा पाउडर 1 खाने का चम्मच, प्याज 2 अदद मीडियम साइज़ में कटे हुए, टमाटर 3 अदद कटे हुए, ऑयल 1 बड़ा कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 3 खाने के चम्मच, और इसमें मैंने 1 खाने का चम्मच नमक भी शामिल कर दिया है। सबसे पहले हम कढ़ाई में ऑयल शामिल करेंगे और प्याज को फ्राई करेंगे। ये अच्छी तरह फ्राई है, जब से फ्राई हो जाए तब हम इसमें चिकन चिकन शामिल करेंगे। जब प्याज फ्राई हो जाए तो चिकन डाल दें और चिकन को फ्राई करें। और चमचम से हिलाना है। जब चिकन अच्छी तरह फ्राई हो जाए तो इसमें टमाटर डाल दें और टमाटर को जब सॉफ्ट हो जाए तो इनमें बाकी अज्जा शामिल कर दें। याद रहे कि मुसलसल चमचा हिलाएं। जब टमाटर अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाए तो इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करें और इसी में मैंने 1 चाय का चम्मच नमक भी शामिल कर दिया। अच्छी तरह हिलाएं ताकि साथ ना लगे। जब कढ़ाई के नीचे लग जाता है कोई भी सालन तो वो मज़ा नहीं रहता। आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर दे रहा है, तो आप भी ऐसे ही रेसिपी ट्राई करें। जब अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करके उसे थोड़ी देर हिलाने के बाद आप लाल मिर्च पाउडर भी शामिल कर दें और इसे अच्छी तरह हिलाएं। जब ये अच्छी तरह हिला लें तो फिर हल्दी पाउडर शामिल कर दें और इसे भी अच्छी तरह हिलाएं ताकि साथ ना लगे। अब हम धनिया पाउडर शामिल करेंगे और इसे भी हिलाएंगे। आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर है, कितना खूबसूरत कलर आया है इसका।
आप भी ऐसी रेसिपी ट्राई किया करें और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि कैसी बनी है और आपने जब ट्राई की तो कैसी आपको लगी। और वीडियो पूरी देखें, वीडियो को भी पार्ट स्किप मत करें क्योंकि वीडियो एंड में बहुत ही अमेजिंग होने वाली है। और वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर भी किया करें। अब हम सोया सॉस 1 खाने का चम्मच शामिल करेंगे। सोया सॉस, चिली सॉस डाला करें क्योंकि इससे कुकिंग में, रेसिपी में आपके टेस्ट आता है। अब हम 2 चम्मच चिली सॉस शामिल करेंगे। और इसे अच्छी तरह हिलाएंगे। आप देख सकते हैं कि ऑयल का कलर किस तरह रेड आया है और चिकन का कलर कितना प्यारा आया है, येलोइश कलर है। ट्राई करके ज़रूर बताइएगा। जब चिकन भून जाए तो इसमें 2 कप पानी शामिल करें। चिकन भूनने की निशानी ये होती है कि ऑयल साइड पे आ जाता है तो पता चल जाता है कि मसाला भून गया है। ये दूसरा कप पानी। अब हम इसे हिलाएंगे और आंच को तेज कर देंगे। अभी आप देख सकते हैं कि ये उबाल आ रहा है। जब ग्रेवी सही पक जाएगी और ऑयल साइड पे आ जाएगा तो समझ जाएंगे ये भून गया चिकन। अब देखिए मसाला पक रहा है। थोड़ी देर के बाद हम इसमें सिरका शामिल करेंगे। अब देखिए मसाला पक गया है। अब हम इसमें 2 चम्मच सिरका शामिल करेंगे। आज हमारी कढ़ाई सही स्पाइसी और मज़ेदार होने वाली है। और इसी को ही चिकन कढ़ाई कहते हैं। अब हम इसमें नमक चेक करेंगे। अगर कम होगा तो दोबारा शामिल कर देंगे। आधी चम्मच नमक की शामिल करेंगे। आप भी चेक कर लीजिएगा, अगर आपको बहुत है तो ठीक है, अगर आपको कम है तो शामिल कर दीजिए।
अब देख लेते हैं, चिकन कढ़ाई हमारी तैयार हो गई है और ऑयल अलग हो गया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे ज़ीरा पाउडर, फैला के शामिल करना है। और चम्मच हिला दें। अब देखिए कितना प्यारा कलर आया है। ऑयल अलग हो गया है और चिकन अलग है। जब जीरा पाउडर शामिल करके इसमें हिलाएं, अब हम इसमें गार्निश किए हुए सब्ज़ मिर्च, सब्ज़ धनिया और अदरक बारीक स्लाइसेस में कटे हुए शामिल करेंगे। अब इसको प्लेट में सर्व करेंगे। अब हम इसका ढक्कन उठाएंगे। आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आया है। ऑयल अलग है, चिकन अलग है और खुशबू भी कितनी प्यारी है। अब प्लेट में सर्व करते हैं। आप देख रहे हैं कलर कितना प्यारा है और खुशबू भी इतनी प्यारी है। अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।